आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के जनपद में आगमन पर एक निजी होटल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न धार्मिक संगठनों ने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया, जिसके संबंध में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि सालों बाद जनपद में आगमन हुआ है। उन्होंने बताया कि यह मेरे माता पिता की जन्मभूमि है और मेरी भी जन्मभूमि है। उन्होंने कहा, अखाड़े की महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी ने नवरात्रि के बाद एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसको देखते हुए जनपद में मेरा आगमन हुआ है, जिससे कि यह कार्यक्रम सफल बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में शामिल होने की संस्तुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किन्नरों के प्रति बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा में बन रहे मेट्रो स्टेशन में बहुत से किन्नर लोग काम कर रहे हैं, तथा उत्तर प्रदेश की जो महामंडलेश्वर थी, उनका सपना था कि गोरखपुर में भी कोई कार्य को प्रारंभ किया जाए। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर दुख व्यक्त किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा CBI जांच के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। वह 2022 के चुनाव में किन्नरों का साथ योगी जी को रहेगा, जिससे कि प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, शिक्षा देता है कि हम कैसे उसको सजो के रखें और समाज में उसको आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए मैं माइक देता हूं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस क्रम में मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। ॐ हरि ॐ गणानंदा गणपति गण हवामहे प्रियवामहे निधीनांता निधिपति हवामहे वशो ममयाहम जानि गर्भदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विष्णुर्वारुतमिव वन्दनां मृत्योर्नो क्षीरमामृतान्। गायत्री परिवार गोरखपुर महानगर के द्वारा ये स्वागत किया जा रहा है। गोरखपुर की तपोभूमि पे, गोरक्षनाथ की तपोभूमि पे हमारे आदरणीय आए हुए हैं महामंडलेश्वर आदरणीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। हम लोग गायत्री महामंत्र से उनका ॐ हरि ॐ गणानं त्वा गणपति गं हवामहे प्रियानं त्वा प्रियपति गं हवामहे। ॐ हरि ॐ गणानं त्वा गणपति गं हवामहे प्रियानं आहं जानि गर्वधमा त्वं जाति गर्वधम्। ॐ स्वस्ति नन्द्रो बृहस्पा स्वस्ति नाभूषुध पयस्सति परदिश सन्तो मह्यं नः। ॐ विष्णो वराट्मसि भीषो शनप्रेष्ठो भीषो। माँ विंध्यवासिनी धाम की चुनरी है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत है भजन सम्राट गोरखपुर का, हमेशा आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहता है। हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में हम सभी को अपना स्नेह देते रहते हैं। इंदु मिश्रा जी आप ही अब स्वागत के क्रम में मैं अपने गोरखपुर के आज बहुत सालों के बाद
हमारा गोरखपुर में आगमन हुआ। ये मेरे माता पिता की भूमि है तो मेरी भी भूमि है। हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने अगले महीने एक हवन का बहुत एक सप्ताह का कार्यक्रम अक्टूबर नवरात्रि के बाद ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। उसके लिए मेरा आगमन हुआ और बहुत सारे लोगों से बहुत साल से हम मुलाकात नहीं हुई थी, तो सारे मेरे घनिष्ठ मेरे अपनों से मुलाकात हुई। हमारी प्रयागराज की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा कौशल्यानंद गिरी भी आई प्रयागराज से। ममता जी जो स्वयं में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पुणे से आई, वो भी कौन सा जगह है बरहज की बेटी वो भी हैं, और हमारी भारती बर्नवाल जो मेरी बहन है। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ, और किसे नहीं अच्छा लगता है कि अपनों की में पलट के वापस आए। और इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत लोग कहीं ना कहीं छूट रहे थे, उन सबको जोड़ना और किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ के रखना। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर काम किन्नरों के प्रति हो रहा है, वेलफेयर बोर्ड से लेके इनहेरिटेंस राइट तक। एक नोएडा में मेट्रो स्टेशन पूरा, वहाँ पे ट्रांसजेंडर लोग काम कर रहे हैं, बहुत अन्य काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारी महामंडलेश्वर थी, उनका ये बड़ा इच्छा थी कि हम गोरखपुर में कुछ ना कुछ कार्य शुरुआत करें, तो उसका अभी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें सारी बातें हम बताएंगे। हमें बहुत दुख है और सनातन धर्म को एक बहुत बड़ा आघात है। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया सीबीआई जांच का, उसको पूरा समर्थन करते हुए ये हम निश्चित करते हैं कि उनके नेतृत्व में और उनके आंखों के नीचे कोई गलत होने नहीं देंगे। योगी जी विश्वास है उस, ये वो इस माटी के लाल हैं और पूर्वांचल में इतना सारा अच्छा जो अच्छा काम करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, और योगी जी ने पूर्वांचल में बहुत सारा अच्छा काम किया है, तो योगी जी को आप सपोर्ट करोगे? हाँ ये सपोर्ट करेंगे, आना चाहिए, जो अच्छा काम करे उन्हें आना चाहिए, और योगी जी बहुत अच्छा काम करे, क्यों ना आए। बहुत सारी मांग बहुतों की पूरी नहीं हुई है। किन्नर समाज की सबसे बड़ी मांग है कि मुख्य धारा में उन्हें सम्मिलित किया जाए, और सोशल सेक्टर में सिर्फ पॉलिसीज तक नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल देखा जाए, और बच्चों को एजुकेशन, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, और एक सामान्य नागरिक माना जाए।